चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्लास कब स्टार्ट होगी और क्लास अब बस स्टार्ट होने वाली है। चलिए भाई, ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ए आर ऑनलाइन एजुकेशन में। और मैं अजय सिंह राव आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त पैटर्न जो भी टेंस का है। और देखो, टेंस पढ़ाने के अपने एक फंडे होता है। दुनिया में सभी टीचर्स टेंस पढ़ाते हैं और सबके द्वारा अपना अपना एक तरीका पैटर्न लगाया जाता है। मेरा खुद का एक पैटर्न है जिसके बेस पर मैं टेंस को क्लियर करवाता हूं और वो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। कल मैंने इसके लिए बेसिक स्टार्ट किया था और बेसिक के दौरान हमने बहुत सारी चीजें छोटी छोटी देखी। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने बेसिक की क्लास नहीं ली हो, प्लीज आप एक बार जाकर के और बेसिक की क्लास अभी की क्लास के बाद में फर्स्ट क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बाद में ही आपको सेकेंड क्लास समझ में आएगी। बिकॉज यू ऑल नो दैट द बेसिक पार्ट इज द रूट पार्ट। और यू नो वॉट, रूट अगर आपका मजबूत है तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरी थिंग। आगे का जो टॉपिक है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चले भाई, केवल 3 मिनट लेट हुए हैं, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे ही टॉपिक पर और सीधे ही पॉइंट पर बात करना चाहूंगा। चले ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए आ जाओ जल्दी से, तो बताएं रेडी हैं आप लोग, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन हमारा स्पेशल, हमारा जो सेशन चल रहा है, दैट सेशन इज रिलेटेड टू द राजस्थान हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के साथ साथ हम पटवार पर भी फोकस करके चल रहे हैं, स्टेनो पर भी फोकस कर रहे हैं, और साथ साथ एसीएफ के एग्जाम्स और एलडीसी के एग्जाम तो हमारे हैं ही हैं, जो ओवरऑल एग्जाम्स है। चलिए ठीक है, ओके फाइन भाई, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आ जाओ, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आज का एक छोटा सा मोटिवेशन क्वोट आप लोगों के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको एक ताकत आपको देने के लिए है, जो कि है राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई चीज आसानी से मिल जाती है वो लंबे समय तक नहीं चलती, हमेशा तक नहीं रहती, और जो चीज हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती है। इसलिए कहा गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि रातों से जंग लड़ना सीख लो। हमारे देश के जवान फौजी, हमारे देश के जो फौजी भाई हैं, वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और पूरी पूरी रात वो अपने दुश्मनों से लड़ते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हम तो घरों के अंदर है ना, आप तो घर के अंदर हो ना, आप तो कम से कम घर पे अंदर रह करके भी रात से नहीं लड़ सकते, आप तो कमजोर बने हुए, वो आपके ऊपर हावी है? नहीं, आप पर हावी नहीं हो सकती, यू आर बेटर देन दैट। ओके, तो अपने आप को अंडरस्टैंड करो, कमियों को पकड़ो, और संघर्ष जितना मजा, जितना लाइफ में होगा उतना ज्यादा मजा जिंदगी जीने का आता है यार, ठीक है ना। चलिए भाई ठीक है, तो आज का सेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे और एक नए प्लानिंग के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में आज की क्लास का मजा लेंगे सभी के सभी मिल करके। चलिए आ जाएं, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक स्पेशली चल रहा था, दैट वाज स्पेशली टेंस। और टेंस में हमने बेसिक क्लास ली भाई, दूसरा हमने बेसिक के तुरंत बाद में हमने ये जाना था कि देखो, टेंस के जो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके अंदर जो टाइप्स होते हैं, 3 types ऑफ टाइम डिवाइडेड, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट के चार चार टेंसेस डिवाइड होते हैं, डेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो 12 काइंड ऑफ टेंसेज होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपको ये काम दिया गया था कि जितने भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के साथ में रिलेशंस बनते हैं, आप सबको उन सबको रिपीट करके और वन टाइम में क्या करना है, याद करना। तो आई होप आप लोगों ने एक बार रिपीट कर लिया होगा, और अगर भाई नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, बिंदास हो जाओ, आज की क्लास मस्त होने वाली है। मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में आपने ऐसी क्लास नहीं ली होगी जो आज पढ़ने वाले हैं आप टेंस के अंदर। ये मैं बात कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, और मैंने बोला है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा। तो ऐसा क्या है यार जिसमें बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ? तो भाई मैं ये बात साबित करके बताऊंगा, बस कुछ पल की देरी और। मैं जैसे ही अगला स्लाइड लेके चलूंगा आपको, अगले स्लाइड में आपको वो मिलेगा, यू कांट थिंक स्पेशली या नेवर यू कैन गेट। आप पूरे यूट्यूब को छान लेना, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से सबको ये इन्फॉर्म कर दो कि आज कुछ स्पेशल मसाला है यार, आज मस्त वाली सब्जी बनने वाली है, आज मस्त वाला रेसिपी बनने वाली है, तो मजे से खाएंगे सारे के सारे मिल करके ना। चलो आ जाओ, तो फिर इस बात पर
तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर दूं कि टेंस में आपने ये पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस था जिसके दौरान हमने ये देख लिया था फटाफट से लास्ट की क्लास में, एक बार थोड़ा सा बेसिक समझ लो, थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है कि प्रेजेंट डेफिनेट के अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंस की बात करता हूँ मेरे भाई, तो सेंटेंस की कैटेगरी जो होती है एक दो तीन और चार कैटेगरीज होती हैं। चले भाई क्या क्या कैटेगरी होती है, एक पॉजिटिव कैटेगरी होती है, एक निगेटिव कैटेगरी होती है, एक इंटरोगेटिव पॉजिटिव कैटेगरी होती है और इंटरोगेटिव नेगेटिव। मात्र 2 से 3 मिनट लूंगा, उसके बाद में वो बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा स्लाइड। जैसे ही स्लाइड आगे जाएगी तब मजा आएगा आप लोगों को। बस वेट एंड वॉच एंड कनेक्ट विद मी राइट नाउ, ओके, जुड़े रहो, मस्ती से मजे लेते रहो सारी चीज का। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एंड वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, दैट वाज अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप सबको पता है भाई। वर्ब की पांचवी फॉर्म जिसमें वर्ब के लास्ट में एस या ईएस का लगना, अगर इसकी बात कहूं तो किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस लग जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वर्ब की पांचवी फॉर्म के नाम से बोलते हैं, और ईएस और ईएस को हटा दो, ऐसे ईएस को तो V1 बच जाएगा। निगेटिव की बात करता हूं तो आपको पता है डू और डज साथ चलते ही हैं और नॉट लगा करके V1 हम इसके साथ में लगाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, जबरदस्त मजा आने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। इंटरोगेटिव पॉजिटिव में मैं आपको बता दूं डू और डज तो साथ होते ही होते हैं, इनके साथ साथ आपको V1 लेना होता है, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज, ओके। इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में आपको पता है ना यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, देन आफ्टर आप एक V1 लगाते हो, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आपको दिया जाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज के साथ में आप नॉट लगा देते हो, नॉट के साथ में यू नो वेल V1 आप लगा देते हो, क्वेश्चन मार्क और एक सब्जेक्ट अपनी जगह पर होता ही रहता है जो लगता ही लगता है। चलिए दिस थिंग रिप्रेजेंट टू, समझने की कोशिश कीजिए, दिस थिंग रिप्रेजेंट टू स्पेशली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट को दिमाग में परमानेंटली फिक्स कर लीजिए क्योंकि हम इसके आगे एक नई चीज जानने वाले हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू ऑल कैन टेक, ठीक ना। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, एक बार थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में भी जरा सा एक बार देख लिया जाए, भाई क्या सोच रहे हैं आप इस बात के लिए। थोड़ा सा केवल 2 से 3 मिनट लूंगा आपका, जिसके दौरान ये सारी चीजें फटाफट से एक बार क्लियर करवा देता हूं उसके बाद। और आप लोग सोच रहे होंगे सर ये चीज तो आपने कल बता दी, अरे भाई जरूरत है अभी पढ़ने वाली है, अगर जिसने ये चीज समझ ली, जिसको ये चीज आती है तो उसको मजा आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी उसको उसका मजा किरकिरा हो जाने वाला है। तो थोड़ा सा एक बार फटाफट से देख लीजिए, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव के बाद में आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और भाई नेगेटिव के बाद में क्या, निगेटिव के बाद में आ जाते हैं इंटरोगेटिव पॉजिटिव, और फिर आ जाते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो फटाफट से एक बार देख लीजिएगा मेरे साथ में मिलकर मैंने क्या कहा, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम केवल किसका यूज करते हैं, V1 V2 का यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में डिड तो आता ही आता है, साथ में नोट लगा करके क्या लगा दिया जाता है, V1 लगा दिया जाता है। चलिए भाई ठीक है, इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में डिड के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट लगाने के बाद में क्या लगाना होता है, V1 लगाना होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क होता है, ओके फाइन। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ तो डिड तो आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, साथ में एक नोट लगाने के बाद में, क्या नोट लगाने के बाद में आपको V1 लगानी है, गौर से देख लो V1 लगाना है, ठीक ना, V1। तो एक कंडीशन ये हो गई, तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा आसान बना रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए अगले की बात करता हूं, तो जितनी भी बी वर्ब्स होती है, बी वर्ब्स की कैटेगरी में आपको पता है इज हो गया, एम हो गया, आपको पता है आर हो गया, आपको पता है वॉज हो गया और व हो गया। तो बी वर्ब के साथ में हम किसका यूज करते हैं, V4 का। V4 का मतलब हो जाता है V1+ING, क्या हो जाता है V1+ING, ये बेसिक सी चीज है। अच्छा क्या नहीं होता, चलिए क्या नहीं होता एक बार देख लेते हैं, क्या V2 लगता है, चलिए फिर क्या V5 लगता है, चलिए क्या फिर V3 लगता है, या फिर V1 लगता है, तो एक बार देख लिया जाए और इस चीज के बारे में निष्कर्ष निकाल लिया जाए। तो मैं कहना चाहूंगा V4 लगता है, और जब V4 लगता है बी वर्ब के साथ, भाई बी वर्ब कौन सी, इज एम आर वाज वर, ठीक ना। तो जब V4 लगता है तो कौन से टेंस बनते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताएंगे जरा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी को सस्पेंस कंफ्यूजन हो तो बता देना, मैं देख नहीं पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में, केवल आपको फटाफट से एक बार ये चीजें रिपीट करवा दूं, उसके बाद में आप लोगों को मैं नेक्स्ट पर लेके चलूंगा। चलिए भाई ठीक है ना, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। V2 यहाँ से होगा नहीं, आगे बात करते हैं, V5 भी नहीं होगा, V3 होता है, लेकिन V3 कब होता है, जब पैसिव बनाने की बात आती है, बताओ क्या बनाने की बात आती है, जब पैसिव बनाने की, और V1 का हम यूज नहीं करते हैं इस कंडीशन में, ये चीज क्या मानी जाती है, रॉन्ग मानी जाती है। बात समझ रहे हो मेरी, तो यहां से अंडरस्टूड करिएगा। चलिए कुछ लोग बता रहे हैं सर फोकस कम आ रहा है, चलिए भाई एक बार कोशिश कर लेते हैं फोकस को सही करने की, कि फोकस आपका सही हो जाए।
तो जस्ट अ मिनट, एक बार कंटिन्यू रखेंगे सभी लोग। हो सकता है कि थोड़ा सा फोकस आपके लिए चेंजेज आए, तो फिर मुझे बता देना कि सर हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा। बताना क्या थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। चलिए थोड़ा बहुत फर्क, ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा फोकस के ऊपर। चलिए अब बताइएगा मुझे एक बार थोड़ा सा कि हाँ सर थोड़ा सा चेंजेज है। चलिए भाई ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म और पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा और आगे चलिए। कमेंट करके बता दो कि सर थोड़ा सा चेंजेज हुआ, क्योंकि हो सकता है डार्क दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए जनरली। और फिर एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, हैज होना और हैव होना और हैड होना, इन सब के साथ में हम किसका यूज करते हैं, V3। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मैं इनके साथ V2 लगा सकता हूँ, क्या मैं इनके साथ V4 लगा सकता हूँ, क्या मैं इनके साथ में V5 लगा सकता हूँ? तो जवाब दीजिएगा, मैं क्या इनके साथ V1 लगा सकता हूँ? तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि हैज एव हैड के साथ में क्या V3 लगता है? यस लगता है। क्या V2 लगता है? नहीं लगता। क्या V4 लगता है? नहीं लगता। क्या V5 लगता है? नहीं लगता। और V1 भी नहीं लगता। तो V3 बना करके कौन सा टेंस बना देते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का टेंस हम बना देते हैं। आपको याद हो गई होगी ये वाली चीज, बताएं जल्दी से एक बार, क्लियर है? चलिए भाई जो अभी आ रही है उनको वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस पढ़ाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, इनके बाद में लेंगे नरेशन और वॉइस। चलिए ठीक है ना, अभी ध्यान दो और अंडरस्टैंड करो। चलो क्लियर है यहाँ से। और अब है वो धमाकेदार चीज जो आप जिसका इंतजार कर रहे हो कि सर स्लाइड को जल्दी से चेंज कर दो ना प्लीज, क्योंकि जो बताना चाह रहे हो वो इसका पता लग जाए। तो आज जो टाइप आपके लिए लिया स्पेशली वो है क्वेश्चंस का। क्या है? क्वेश्चन का, जिनमें हम पूरे टेंस की टेबल से निकाल करके क्वेश्चंस बना रहे हैं और उसमें केवल हम डिस्कस कर रहे हैं। चले आ जाए, तो अब मैं उस स्लाइड की तरफ आपको लेके चलता हूं और ये स्लाइड है दिस वन। चलिए आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन देखिए अच्छे से, एकदम आराम से क्वेश्चन देखिए। पूरा दिखाई दे रहा है तो मुझे बताना कि हाँ सर पूरा दिखाई दे रहा है। वैसे तो दिखाई दे रहा होगा, पूछने की जरूरत नहीं मुझे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मामला है क्या आपके सामने? सर बिना कुछ थ्योरी पढ़ाए और डायरेक्टली आपने क्वेश्चंस ले लिया। तो सबसे पहले तो आप सभी देखें, यहां जो आपके ऑप्शंस है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSYZ, ये सारे आपके जेड तक के ऑप्शंस हैं और आजकल एग्जाम में जेड तक के ऑप्शन आने लग गए हैं, ठीक है ना? ये याद रखना। अरे मजाक कर रहे हो क्या सर, जेड तक भी कोई ऑप्शन आते हैं क्या? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। तो डोंट टेक टेंशन, ओके? जेड तक ऑप्शंस नहीं आते भाई, ऑप्शन केवल चार ही आएंगे आपके एग्जाम में। और अगर बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो तो पांच ही ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम चार आते हैं। ये तो हमारा अपना एक पैटर्न है जिसमें हम पूरा सब कुछ डाल देते हैं, सब कुछ छान देते हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने अभी, है ना? किसी को बोलना कुछ नहीं है, जब मैं बोलूंगा ना तो वो उसके बाद में आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मामला है क्या। ये जो आपके सामने लिखा है वो है इस समय मिक्स क्वेश्चन। भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है मिक्स क्वेश्चन, ठीक है ना? ये हमने क्या लिख दिया आपके लिए, मिक्स क्वेश्चन की एक छोटी सी एक क्वेश्चन का एक छोटा सा हमने पैटर्न बनाया। अच्छा, इसमें केवल मैंने दो ही टेंस डाले हैं आपके लिए। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस पूरे ऑप्शन में जेड तक के जो ऑप्शन है, दो दो टेंस के ऑप्शंस मैंने बना दिया। इट्स नॉट टी एग्जैक्टली, ओके लेट्स सी। इसमें मैंने दो 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 टेंस के डाले, एक तो है इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक डाल दिया मैंने पास्ट इंडेफिनिट। तो ये दो ऑप्शंस आपके लिए डाले हैं और इन दोनों ऑप्शन से हम क्या करने वाले हैं, पूरे टेंस के दोनों ऑप्शन से पूरा टेंस क्लियर कर देंगे, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है ना? देखो मैंने आपसे आंसर पूछा क्या? नहीं ना, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको सीखना है। आंसर तो मुझे पता, मैं भी डायरेक्ट बता सकता हूं ये लो भाई ये होगा आंसर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन पूरे को क्रॉस जब करेंगे तो क्रॉस करने के बाद में जो ताकत हमारे अंदर आएगी ना टेंस के प्रति, जो कॉन्फिडेंस अंदर से निकलेगा ना आपके, वो कॉन्फिडेंस परमानेंट रहने वाला आप लोगों के लिए। जरा देखना, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं अब शुरुआत करता हूँ ऑप्शन ए से लेकर के और लास्ट तक के ऑप्शन। मुझे सिखाना है आज, आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन एनी ऑप्शन टू ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट टीचिंग यू दैट हाउ डू यू रिमेंबर एंड हाउ डू यू कन्फर्म योर ऑप्शंस, योर टेंसेज स्पेशली। तो आप कैसे अपने टेंस को क्लियर कर सकते हो, कैसे मजबूत होगा, चलो आ जाओ। क्वेश्चन है कि रोमन डैश अ मोबाइल फ्रॉम द शॉप। चले भाई मैंने कहना है रोमन डैश अ मोबाइल फ्रॉम द शॉप, पता नहीं है डॉट 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 करके डैश दे दिया, एक मोबाइल उसने शॉप से क्या किया होगा,
चोरी कर लिया या जो भी, लेकिन सारे ऑप्शंस को देख करके तो सकले यही नजर आ रही है कि स्टील स्टॉल स्टॉलन नजर आ रहा है, मतलब चोरी की थी। अब साइलेंटली सभी के सभी सीखना और ये एक मजबूत चीज है। फिर आगे दो टेंस लिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फिर आगे लिया पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और फिर लास्ट में ले लिया फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो मजा आने वाला है। तो एक चीज मैं आपको इसके शुरुआत में ही बता देता हूं, जो चीज आप लोग सभी देख लीजिएगा एक बारी में, एक बार ये देख लो कि ये वर्ब है स्टिल, ठीक है ना, ये आपकी वर्ब है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कोई बात नहीं, चलिए ये आपकी वर्ब है कौन सी, स्टिल, ठीक है ना भाई। स्टिल जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई, स्टॉल, और थर्ड फॉर्म हो जाती है स्टॉलन, और फोर्थ फॉर्म हो जाती है स्टीलिंग, और पांचवी फॉर्म हो जाएगी स्टिल्स। मैं आपको बता रहा हूं, आपका इतना माइनर, इतनी माइनर टेंस को अगर कोई सिखा दे तो मुझे बता देना, आपको पूरे यूट्यूब में इंग्लिश का टेंस इतना माइनर कोई नहीं सिखाएगा, याद रखना, जितना मैं माइनर लेके चल रहा हूं। तो इस माइनर लेने के पीछे रीजन था कि जो बेसिक लेवल लर्नर स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल जीरो से अपने इंग्लिश को शुरू कर रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो से टेंस पढ़ रहे हैं, जिंदगी में स्कूल में टेंस पढ़ाता, उसके बाद में हो सकता कॉम्पिटिशन में भी पढ़ाओ लेकिन समझ में नहीं आयो, और आज अगर वो पढ़ना चाह रहे हो तो भाई मजा आने वाला आप लोगों को। स्टिल स्टॉल स्टॉलन स्टीलिंग और स्टिल्स, ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। दिस वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट फॉर्म इन पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है, एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, केवल वर्ब वर्ब के फॉर्म को, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तो फिर दिखाई नहीं देगा आपको, तो ये मैंने लिखवा दिया था, आपको नोटबुक में लिख लेना था जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब बताओ रेडी हो, अब बता दो फटाफट से रेडी हो ना, अब कर देता हूं स्टार्ट, और रेडी होंगे आप लोग ऑलरेडी, आप तो रेडी हो। तो दो ही टेंस है इसके अंदर, केवल प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट, मेरे भाई क्या बोल पा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा थोड़ी है। चलिए किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मस्त होकर के समझो और बिंदास होकर के एक एक चीजों को पढ़ो। चलो आज एक एक चीज को क्रॉस करना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, नाउ आई एम रेडी टू क्रॉस ईच एंड एवरी ऑप्शन। चलिए भाई, सबसे पहले हमने दिया आपको कि रोमन स्टील अ मोबाइल फ्रॉम दी शॉप, तो रोमन की शक्ल देख करके रोमन नजर आया कि रोमन जी हमारे कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर यहां पर वर्ब भी मुझे क्या लेनी चाहिए थी, सबसे पहली बात तो सिंगुलर लेनी चाहिए थी अगर प्रेजेंट टेंस को लेकर के चलूंगा तो। तो मैंने स्टील के बारे में ये जाना कि स्टील जो है एक तो वी वन भी बोलते हैं इसको, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, वर्ब की कैसी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। भाई सिंगुलर फॉर्म वो होती है जिसके लास्ट में एस या ई एस लगता है, मैंने तो आपसे ही पढ़ा है, ओके। मैंने ऐसे कहा, जैसे मान के चलिए कि मैंने ऐसे कहा कि दिस वर्ब इज द प्लूरल फॉर्म, आप इसको प्लूरल फॉर्म भी बोल सकते हो या इसको फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनिट और प्लूरल फॉर्म मतलब एक ही, तो दोनों का एक ही नाम है, इसको घर पे इस नाम से बोलते हैं, इसको घर पे तो प्लूरल बोलते हैं और बाहर जब स्कूल पढ़ने जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ओए वी वन इधर आ। चलिए तो स्टिल, तो रोमन जी तो सिंगुलर है तो फिर स्टिल तो किसी कंडीशन में आ ही नहीं सकता, तो फिर यहां से हमने क्या कर दिया, ऑप्शन ए को क्रॉस। चलते जाइए मेरे साथ और पढ़ते जाइए, ऑप्शन बी स्टॉलन, इसको हम बोल रहे हैं वी थ्री, ये है वी थ्री, और आपको पता है कि जब जब भी वी थ्री और वी फोर चौथी फॉर्म और तीसरी फॉर्म का यूज किया जाता है तो हमेशा इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब देखी जाती है, तो भाई ऑप्शन में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं और इसके पहले भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस। अब मैं थोड़ा स्पीड ले रहा हूं जिससे कि हम जल्दी से क्वेश्चन करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सके, ओके। ये स्टीलिंग जिसको हम बोल सकते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का एक रूल होता है कि दोनों से पहले क्या होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस हो जाएगा। अगले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, डू नॉट स्टिल, देखो वैसे बोलना तो सही है, डू नॉट के साथ में वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, हम जैसा कि हम सबको पता है, लेकिन गड़बड़ी ये हो गई कि रोमन जी सिंगुलर है और डू प्लूरल है, रोमन जी सिंगुलर है और डू प्लूरल है, जबकि होना क्या चाहिए था डज, क्या होना चाहिए था डज, क्योंकि डज क्या होता है सिंगुलर, कैसे पता चला, क्योंकि उसके लास्ट में क्या लगाओ मेरे भाई, एस लगाओ। तो किसी को कंफ्यूजन हो तो बताना लिख करके कि सर इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दोबारा से बता दो, बता दूंगा, तो यहां से डू की गलती हो गई इस कारण से नहीं ले सकते। चलिए अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं, डज, वाओ डज आ गया, और डज आया तो साथ में नोट भी लाया, जैसा कि हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस में डज के साथ नोट लगाते हैं, डज के साथ नोट लगाते हैं और नोट आ गया, और ऐसा कि ऐसा सही है, लेकिन गड़बड़ यहां पर हो चुकी है मेरे भाई, गड़बड़ ये हो गई कि यहां पर इसने कौन सी फॉर्म ले ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि डज नोट के साथ आती क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टिल स्टॉल स्टॉलन, स्टॉल इज द सेकंड फॉर्म, राइट, समझ रहे हो आप सभी लोग, होना एक्टिव, सभी लोग देख रहे हो ना, तो मुझे बता तो देना कुछ ना कुछ हरकत,
चलिए, तो इस वजह से गलत हो गया कि यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। चलो अगला ऑप्शन समझो, डज नॉट सही तो है, एकदम मस्त अपनी जगह पर डज नॉट आ सकता था क्योंकि सिंगुलर के अनुसार डज आता है और साथ में नॉट लाता है नेगेटिव में, लेकिन यहां पर घोटाला क्या हो गया कि यहां पर कौन सी फॉर्म दे दी, थर्ड फॉर्म दे दी। और हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इसके साथ कौन सी होनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म। पहले भी बता दिया डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, स्टिल, स्टिल, समझ रहे हो ना। जिसको डाउट है बताना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, भाई फिर से देखो भाई, डज नॉट सही तो है, मस्त है एकदम अपनी जगह पर, लेकिन आगे घोटाला क्या हो गया कि यहां से आपको स्टिल्स दे दी, कौन सी फॉर्म दे दी, V5, कौन सी फॉर्म दे दी, V5, लेकिन होना क्या चाहिए था आपका, V1 होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। आगे दिया आपको डज नॉट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में गड़बड़ क्या हो गई कि आपको V4 दे दी गई, और भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्या नहीं होता कि आपको पता होना चाहिए कि डज नॉट के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ना कि फोर्थ फॉर्म। चलते जाइए प्रसादी लेते जाइए और चलते जाइए आगे, ठीक है ना। अगले ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, यहां से ये सारे ऑप्शंस खत्म है। अगर किसी को ए से लेकर एच तक किसी को डाउट हो तो जरूर बताना, ए से लेकर एच में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, आई विल टेल यू, नो प्रॉब्लम। चलिए गुड मॉर्निंग जो अभी आ रहे हैं उनको, ठीक है ना, यहां तक कंप्लीट। अब आगे आ जाता हूं, थोड़ा सा हो सकता है ये आपको हाइड हो जाए। चलो आ जाओ, डू नॉट इंस्टॉल, क्या बोला मैंने, डू नॉट इंस्टॉल, भाई डू तो ठीक है, गलत है, क्योंकि वैसे तो डू नॉट होता है लेकिन रोमन के अनुसार डू नहीं होगा। और दूसरी बात ये हो गई कि डू नॉट के साथ में आपने कौन सी फॉर्म लगा दी मेरे भाई, कौन सी लगा दी, वो आपकी थर्ड फॉर्म, जबकि होनी क्या चाहिए थी, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। और दूसरा डू नहीं डज होना चाहिए था, क्योंकि रोमन जी सिंगुलर है और डू जी प्लुरल है, डज जी सिंगुलर होते, इस कारण से हमने इस ऑप्शन को भी क्या किया, क्रॉस। अगला ऑप्शन हमने पढ़ा डू नॉट इंस्टॉल, ये देखिए जी, ये देखिए आपके सामने क्या किया हुआ है, डू नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, ये भी तो गया। के ऑप्शन में आपको दिया डू नॉट तक ठीक था, लेकिन डू नॉट के बाद में स्टिल्स दे दिया, हालांकि डू नॉट तक वैसे ठीक होता है, अगर प्लुरल सब्जेक्ट होता तो सही होता, लेकिन यहां पर गलत क्या है कि डू जो है रोमन के अनुसार नहीं लगेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमारा के कुमार जी भी क्या हो गया, गलत हो गया। डू नॉट स्टीलिंग, बात तो वही हो गई कि यहां से आपने क्या लगा दी, चौथी फॉर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत। अगला डिड नॉट स्टोलन, ये देखिए, ये देखिए, आज मैं आपको एक चीज बताऊं छोटी सी, चलो बता ही देता हूं, ठीक ना, मेरी बात गौर से सुनना। जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई सब्जेक्ट है भाई, जरा गौर से सुनिए, आपके पास में कोई सब्जेक्ट है और आपको पता चला कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है जी, समझ गए। मान के चलिए कि आपको पता चला कि आपका सब्जेक्ट प्लुरल, तो मैंने कहा चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी डिड लगा दो और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो भी डिड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी डिड चलेगा और प्लुरल है तो भी डिड चलेगा, लेकिन डिड के आगे जो लगा रहे हो वो मामला नहीं चलेगा कि कहीं आप कुछ और वर्ब लगा रहे हो। सो व्हाट आई जस्ट टेलिंग यू दैट डिड के साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, V1 ऑलवेज। चलिए भाई गुड मॉर्निंग जो अभी आ रहे हैं उनको, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी डिड और प्लुरल होगा तो भी डिड की कंडीशन हमारी फॉलो होगी तो होगी। आ जाओ जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगले ऑप्शन की तरफ आ जाओ। तो डिड तो ठीक था कि रोमन के अनुसार डिड आ सकता है, आपको सरे प्रेजेंट लेना, गलत। यहां पर कोई चीज लिखी नहीं हुई कि यहां पर प्रेजेंट का ही होगा, पास्ट का भी हो सकता है। अरे भाई अगर ऑप्शन सही हुआ तो मान लेंगे ना, अभी कहां बोल रहे हैं कि यही हो गया। चलते जाओ प्रसादी लेते जाओ। डिड नॉट के साथ स्टॉलन जो आप लगा रहे हैं यहां से, ये मामला गलत है, क्योंकि डिड नॉट के साथ में क्या लगना चाहिए था, फर्स्ट होम। बार बार बोलूंगा, दिमाग में बैठा लेना, डिड नॉट के साथ फर्स्ट होम। आ जाओ जी, फिर यहां पर इन्होंने क्या लगा दिया, डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म, जबकि आनी क्या चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म और ये है फोर्थ फॉर्म और ये है पांचवी फॉर्म, मेरे भाई नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। डिड नॉट के साथ क्या आनी चाहिए थी, फर्स्ट होम। फर्स्ट होम कैसी होती, स्टिल, स्टिल आता तो मान लेते सही, लेकिन नहीं मानेंगे इसलिए गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखो, डिड नॉट के साथ में क्या लगा दिया आपने, स्टीलिंग, स्टीलिंग बोले तो कौन सा फॉर्म, चौथी फॉर्म, वो आपकी फोर्थ होम, गलत हुआ कि नहीं हुआ बताओ। चलिए गलत हो गया भाई, क्योंकि डिड नॉट के साथ फोर्थ होम का यूज भी नहीं करते, इट इज रॉन्ग। अगले ऑप्शन की तरफ चलते, डिड नॉट के साथ में आपने कौन सा ऑप्शन लगा दिया, V5, कौन सा लगाया, V5, तो बताओ V5 गलत नहीं हुआ का, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऐसा क्यों, क्योंकि डिड नॉट के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है भाई। अच्छा दूसरी बात देखो, डच के साथ में स्टिल लग रहा है, आप कहोगे सर आप ही तो सिखाते हो डच के साथ में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन भाई कब लगता है, जब ये तब होता है ऐसा, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे देखिए मैं इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को आपको बताकर लिख करके बताता हूं, डच सी, ठीक है ना, स्टिल दिस, या फिर डच सी स्टिल इट,
तो ये सही है। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखो, डज सी नॉट स्टिल इट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर इन दोनों का ही नेगेटिव, साधारण नेगेटिव बनाओगे तो सी डज नॉट स्टिल इट, ये साधारण नेगेटिव हो गया। और अगर आप इसी को ऐसे लिखते हो सी डज स्टिल, तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि डज और स्टिल जो है वो बिना किसी नेगेटिव वर्ड के साथ में नहीं आ सकते, वो भी एक पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। किसी को डाउट होना तो जरूर पूछना कि मुझे सर समझ में नहीं आया, भाई एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ही के लिए खड़ा हूं यहां पर, ठीक ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ देना मुझे। चलो आ जाओ, ऑप्शन क्रॉस करें। यहां तक सीख चुके हैं, यहां तक सीख चुके, अब यहां आ चुके हैं, इसलिए हाइड हो गया आपके पीछे का। तो डच के साथ में बिना नोट के आप डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में स्टिल लगा रहे हो, मामला गलत है। या भी इधर डच को भी गलत बोल सकते हो, तो आप क्या कहोगे, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलो भाई अगला, डू के साथ में आप डायरेक्ट, पहली बात तो देखो रोमन के अनुसार डू नहीं आ सकता, दूसरी बात है बिना नोट के स्टिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आ सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चलिए भाई डिड के साथ में सेकंड फॉर्म ले रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या सर, डिड के साथ में सेकंड फॉर्म ले रहे हो, अरे यार नेगेटिव है नहीं, नोट आप लगा रहे हो और डायरेक्ट नोट के बाद में और आप सेकंड फॉर्म वो लगा रहे हो, बिल्कुल ही गलत हो गया, कोई मतलब ही नहीं इसका। एक बार इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, मन कर रहा है कि इसको छोड़ते हैं, आगे वाले ऑप्शन के पास चल के आते हैं। चलिए डिड के साथ आपने क्या लगा दिया, डायरेक्ट स्टोलन, यार कमाल की बात है, बिना नोट के डायरेक्ट स्टोलन और वो भी पूरी तरह से गलत, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है और आपको पता है कि डिड जब लगता है तो नोट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया। हो सकता है कि आपके दिमाग में इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो मैं उन सबको सोल्व करवा रहा हूँ। चलिए आपके कमेंट देख लिया जाए, सर डिड नॉट भी तो नहीं आएगा, पास्ट इंडिकेशन कहाँ है? देखिए भाई मेरी बात गौर से सुनिए, अभी तक हम ये जज नहीं कर सकते जब तक ऑप्शन नहीं आ जाता, ओके। चलिए स्टिल्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है इसलिए रॉन्ग है, बट नोट के साथ वी वन आता, भाई बिल्कुल सही है, नोट के साथ वी वन आता है। चलिए मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा, ओके। अगला ऑप्शन आपको दिया गया, डज के साथ में आपने कौन सी फॉर्म लगा दी, वी फाइव, बोले तो वर्ब की पांचवी फॉर्म। मैं आप सबको बता दूं वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग कैसे लूंगा यार, जब डज के साथ नोट नहीं लगा रहा, जब नोट ही नहीं है तो कहां से डायरेक्ट आप पांचवी फॉर्म चिपका रहे हो, भाई गलत है, एग्जैक्टली गलत है, इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए तो ये भी हमने क्या कर दिया, क्रॉस। चलिए बताइएगा मजा आ रहा नहीं आ रहा, देखो जीतू हंस रहे हैं, तो जीतू हंस रहे हैं मतलब इसके पीछे रीजन है कि मजा आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। चलो भाई उसके आगे आपको दिया डच के साथ स्टोल, कहां कहां से रिलेशन उठा के ले आए, कोई मतलब ही नहीं इनका, आपस में जुड़ रहे ही नहीं, एक पाकिस्तान से आ रहा है, एक चाइना से आ रहा है और एक अफगानिस्तान से आ रहा है, क्यों ले रहे हो आप ऐसे ऑप्शंस को, मतलब ही नहीं है, बेकार से ऑप्शन। लेकिन ये ऑप्शंस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, यहां वो मिलेगा सीखने को जो और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में आते बोला था पूरे यूट्यूब से टेंस पढ़ लेना, हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, हजारों वीडियो पढ़ लेना और उसके बाद में ये वीडियो देख लेना, अगर ऐसा कॉन्टेंट और ऐसा पैटर्न आपको पूरे यूट्यूब पर बता दे तो मुझे सेंड कर देना एक मैसेज, आई विल से यू, मैं आपको बता दूंगा ये चीज का कि सर देखो ऐसा है, डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सोच ही नहीं सकता कोई यार, सोच ही नहीं सकता, जेड तक ऑप्शन लेने के बाद में आपको एक एक चीज को माइनरली क्लियर करवाना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में इतना नीचे लेवल जाकर, तभी तो हेडिंग क्या आती, जीरो से हीरो बीच, तो जीरो से ही चल रहे हीरो तक के सफर में। चले आ जाओ लास्ट के तीन ऑप्शन और आपके पास में, जबरदस्त ऑप्शन तीनों, ये भी आपको मजा आएगा सीखने में। ये देखो कहां से उठ करके आ गया, स्टॉलन यहां पर डज के साथ में क्यों फालतू में लगा रहे हम, जब अपने को पता है कि डज के साथ में डायरेक्ट पहले नोट लगाओ और फिर उसके बाद में आगे की कहानी जुनती है, आप नोट ही नहीं लगा रहे। देखो आपने लगाया यहां नोट नहीं है, यहां भी नोट नहीं है, यहां भी नोट, सब गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग स्पेशली, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। चलिए आगे स्टिल्स, ये कौन सी फॉर्म, पांचवी फॉर्म, भाई गलत है क्योंकि यहां पर फिर से नोट नहीं है, क्यों सोच रहे हो मत सोचो। ये देखो फिर से स्टॉल आ गया, ये भी गलत। तो मेरा इंटेंशन आपको केवल इतना सा कहना है, केवल एक चीज आपको बताने का है, ये जितने भी ऑप्शंस हमने लिए थे लास्ट में, यहां से लेकर यू से लेने के बाद में और यहां तक के, इनमें मैंने केवल इतना सा सिखाया कि आपके दिमाग में प्रिंट कर लो कि डू डज और डिड के साथ में नॉट लगने के बाद में ही हम आगे की वर्ब फॉलो करते हैं। अरे भाई अगर इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो बात अलग है, इफ देयर इज नॉट इंटरोगेटिव पॉजिटिव तो साधारण सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्यों में। अभी पॉजिटिव का नाम लेने से लोगों को डर लग रहा है, पॉजिटिव का नाम लो पता चलता है कोरोना वाली फीलिंग्स आती है, भाई टेंस में तो पॉजिटिव लेंगे ही लेंगे, आपको पता है इसके अलावा कोई नाम होता भी नहीं है ना। तो सकारात्मक वाले सेंटेंसेस में कभी भी विदाउट नोट आप डू और डज का यूज, आई मीन टू से डू और डज का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज पॉजिटिव सेंटेंस में डायरेक्ट वी1 और वी5 का यूज करते, यू ऑल नो दैट थिंग, क्लियर है ना।
चलिए, ये वाला साइन आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है सबको, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं इस बात पर, जल्दी से फटाफट से बता दो, एक क्वेश्चन हो चुका है और फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टी, ठीक है ना। देख लो, तो ऐसे कैंडिडेट जो नए हैं चैनल पर, जो बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेशर है, उन लोगों के लिए शायद इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कोई प्लेटफॉर्म टेंस सीखने का, जबरदस्त प्लेटफॉर्म। क्यों ऐसा? क्योंकि इतना बेसिक कौन सिखाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फटाफट से बता दो एक बार, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? आगे चलूं? जब आप कहोगे सर मजा आ गया आगे चलो, तो ही आगे चल रहा हूं, जल्दी कीजिए। चलिए भाई, ओके ओके, चलिए ठीक है, यस। चलिए लेट्स मूव, अगली स्लाइड में आपको एक और मजेदार चीज मिलने वाली है, सीरियसली। चलिए, उमेद कल बता रहे थे कि सर इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि शाम को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में पहली बार आए थे, तो हो सकता है कि वो चीज बीच में चल रही थी। तो उम्मीद, आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा है आज, मजा आ रहा नहीं आ रहा? फिर भी आपको कल की क्लास एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो ठीक है, एक बार फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ में हम पेश आपके सामने, और वैसा ही पैटर्न है। तो मैं एक बार टेंस का नाम तो बता देता हूं कि इसके अंदर दो ही टेंस पर हम लड़ाई करने वाले हैं, इन सारे में केवल दो टेंस से फाइट करेंगे भाई। और वो कौन कौन से टेंस हैं? वो दो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ठीक ना। देयर आर टू टेंसेज ओनली, प्रेजेंट परफेक्ट, चलिए, और पास्ट परफेक्ट। ये तो अभी तक टेबल का ही कमाल है, जो आपने टेबल पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, जो टेबल पढ़ी थी उसी का कमाल है, बस उसी के बेस पर हम इन चीजों को निकाल रहे हैं। और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए ओके ओके फाइन, चलिए। तो किसी को भी कंफ्यूजन होता तो बताते चलेगा। चलिए भाई, अगला सेंटेंस हम पढ़ना चाहेंगे और उसके बाद में वही धारा प्रवाह कंटिन्यू ऑप्शंस को क्रॉस करना, एक बहुत ही मजेदार ऑप्शन फाइनली आंसर के रूप में निकला। राजन डैश द प्लेट, राजन ने जो है वो प्लेट का क्या किया, आई डोंट नो, बट हमें इतना पता है कि ऑप्शंस ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, आपको कंटिन्यू ब्रेकिंग और ब्रेक्स दे रखा है। तो थोड़ा सा एक बार इस वर्ब से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलवा दूं और उसके बाद में फिर हम चलते हैं आगे। चले भाई ठीक है ना, तो ऊपर ही लिख देता हूं, हो सकता है कि किसी को कंफ्यूजन हो। नहीं ऐसे तो नहीं, आप ना अपनी नोटबुक में मेरे साथ में फटाफट से इस वर्ब को लिख लीजिएगा। चलिए भाई लिख लीजिएगा जल्दी से एक बार। चलिए, सबसे पहले होती है ब्रेक, दूसरी हो गई आपकी ब्रोक, और तीसरी हो गई आपकी ब्रोकन, चौथी आपकी हो जाती है ब्रेकिंग, चलिए, और फिफ्थ वर्ब जो आप बोल सकते हो फोर्थ के बाद, दैट इज ब्रेक्स। चलिए फाइन, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपकी जो V1 है दैट इज द वन, V1 इज द ब्रेक, V2 इज द ब्रॉक, एंड V3 इज द ब्रोकन, एंड V4 इज द ब्रेकिंग, एंड V5 इज द ब्रेक्स। तो एक बार फटाफट से मैं चाहूंगा कि नोटबुक में को जल्दी से लिख लीजिएगा। हाँ, वो बात अलग है, किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात हो, नहीं आता तो फटाफट से लिख लीजिएगा। देखो आंसर बताने लग गए भाई, आंसर बताने वालों पहले जो ऑप्शंस बाकी के दिए हुए उनको क्रॉस करो, फिर उसके बाद में आंसर लो, ठीक है ना। चलिए बाकी के ऑप्शंस पे मैं करता हूँ, क्योंकि अभी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा कब, जब आपका बेसिक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया, चलिए भाई आ जाइए। चलिए अब पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन, जो मजा आने वाला इंटरेस्टिंग में आपको। देखो कैसा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, राजन डैश द प्लेट। चलिए भाई ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन देखा हमने कि हैव ब्रोकन। आपको मैं फिर से एक बार राजन जी से मिलवा देता हूं कि राजन जो है यहां पर अकेला है, अकेला मतलब राजन क्या है, सिंगुलर है, ठीक ना, राजर सिंगुलर। तो यहां पर वर्ब भी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सिंगुलर होनी चाहिए थी, इसके इक्विवेलेंट तो कैसी वर्ब जानी चाहिए, सिंगुलर वर्ब, ठीक ना। और इस खालिस्तान में, इस देश में हमें क्या लेनी है, वर्ब ही लेनी है। चले हो जाओ तैयार सारे के सारे, ठीक ना। चले ऑप्शन ए दिया हुआ आपको हैव, देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको हैव, जैसा कि आप सबको पता है कि हैज के लास्ट में क्या लगता है, एस। भाई मेरे समझने की कोशिश कीजिएगा, हैज के लास्ट में क्या लगता है, एस, और हैव के लास्ट में एस नहीं लगता। और आपके दिमाग में एक चीज फिक्स प्रिंट की हुई है कि जिन वर्ब के लास्ट में लग जाए एस वो हो जाती है सिंगुलर, और जिनके लास्ट में एस नहीं लगता वो होती प्लुरल। सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। मेरे भाई यहां से देखो, हैज के एस है तो ये डेफिनेटली क्या है, सिंगुलर है। यहां से देखो हैव के एस नहीं तो ये डेफिनेटली क्या हुआ, प्लुरल हुआ। तो बस अब हमारा कार्यक्रम शुरू। चलिए ठीक है जी, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा भाई, सुनिएगा, ये सिंगुलर है जबकि हैव क्या होता है, प्लुरल होता है। इस कारण से हैव तो ऑप्शन में बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया यहां से क्रॉस। अगला ऑप्शन हैज, बिल्कुल सही है। राजन के साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं, हैज का यूज करते हैं, क्योंकि राजन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। लेकिन भाई मेरे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर जो ब्रोक है, यहां पर जो ब्रोक है वो कौन सी फॉर्म है, यहां पर V2 है भाई,
ब्रॉक कौन सी फॉर्म है? वी टू. वी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. बार बार बोल रहा हूं, हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म लेनी होती है? थर्ड फॉर्म. फिर से सुन लो, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगानी होती है स्टार्टिंग में. इसलिए तो आज आते ही सबसे पहले ये बेसिक आपको बताया था, जिससे कि किसी के दिमाग में कंफ्यूजन ना हो. चाहे हैज हो आपका, या हैव हो आपका, या हैड हो भाई, हर बार आपको क्या लेनी पड़ती है? थर्ड फॉर्म लेनी पड़ती है. ठीक ना, क्या लेना? थर्ड फॉर्म. एग्जैक्टली, थर्ड फॉर्म. चलिए आ जाओ, अब इस बात पर देख लो फटाफट से इसको. और चलिए ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर. अब बार बार स्लाइड को इधर उधर नहीं लेके जाएंगे, ठीक ना. अब बस केवल पढ़ने पर ध्यान देंगे. चलिए भाई ठीक है, अगला ऑप्शन आपको दे दिया. हैज के साथ कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म. जबकि होनी क्या चाहिए थी? थर्ड फॉर्म. इसलिए ऑप्शन को क्या कर दिया? क्लोज. अब देखते जाओ, मैं फटाफट से पूरा उड़ा रहा हूं. हैज के साथ में क्या ले लिया आपने, बताओ जल्दी से. चौथी फॉर्म. कौन सी फॉर्म है? ये फोर्थ फॉर्म, पर्सन प्लस आईएनजी. लेकिन आनी क्या चाहिए थी? थर्ड फॉर्म. ये है फोर्थ फॉर्म, आनी चाहिए थी थर्ड फॉर्म. इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस. अगला, हैज के साथ में क्या ले लिया आपने? पांचवी फॉर्म. क्या है यहाँ पर? पांचवी फॉर्म. आनी क्या चाहिए थी? तीसरी फॉर्म. इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस. ये पांचवी फॉर्म है भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस. चलिए, हैज के साथ में आपने क्या ले लिया? ब्रेक. ओ वाओ, ब्रेक मतलब थर्ड फॉर्म. गलत. ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रॉक एंड थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है. कभी भी ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रेकड और ब्रेक नहीं होता, इसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही होता है. तो ये गलत टाइप है और ये गलत वर्ब है. आपको ऐसा एग्जामिनर देता है, ये मैं दे रहा हूं, मतलब एग्जामिनर देता है ऐसा कैसा गलत गलत हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स बना करके. चलो भाई आ जाओ, ये तो हो गए वैसे गलत. अगला आपको दे रहा है हैव के साथ में ब्रोकन. मेरे भाई सुनिएगा गौर से. पहली बात तो देखो, सिंगुलर के साथ में राजन के साथ हैव ही नहीं होगा. दूसरी बात है कि हैव के साथ में आपको सेकंड फॉर्म दे रखा, वो भी गलत है और ये हैव भी गलत है, क्योंकि राजन के अनुसार तो हैव सपोर्ट करेगा नहीं. फिर देखो आपको क्या दे रखा हैव के साथ ब्रोकिंग, दैट्स मीन टू से फोर्थ फॉर्म. तो भाई मेरे ये भी क्या हो गया आपका गलत. ऑप्शन फिर दे दिया आपको हैव के साथ में कौन सी फॉर्म, पांचवी फॉर्म दे दी. जबकि हैव के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी? थर्ड फॉर्म. चलिए यहां तक का क्लियर है, मैं आगे आ जाता हूं. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या देख लीजिएगा. अगला आगे दे दिया आपको हैव के साथ ब्रेक. आपको जैसा कि पता है कि ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता. फिर देखो इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूं कि हैज के साथ बीइंग लगा करके क्या दे दिया? ब्रोकन. वाह, जबरदस्त पैटर्न दिया आपकी बार. तो इसको ब्रोकन लेना था, तो बीच में आधार किसको दे दिया? बीइंग का. कि पता नहीं किसी को पता तो चलेगा नहीं, बीइंग लगा देते थर्ड फॉर्म दे देंगे, तो हो सकता है बच्चे ये देखेंगे यार सर ब्रोकन तो है थर्ड फॉर्म, तो हो सकता है यही आंसर हो. गलत. दिस इज रॉन्ग एब्सोल्युटली. क्यों नहीं होगा भाई? सुनो मेरी बात गौर से, क्योंकि यहां से आपको पता है कि हैज के साथ बीइंग का प्रयोग ही नहीं होता. मेरे भाई गौर से देखिएगा, हैज के साथ बीइंग का प्रयोग नहीं होता. अरे भाई हैज के साथ में क्या तीनों की कंडीशन पे नहीं होता? ये जरा सा लिख लीजिएगा एक बार फटाफट से. हैज, हैव और हैड के साथ में हम किसी भी एंगल में, किसी भी एंगल में किसका यूज नहीं करते मेरे भाई? बीइंग का यूज नहीं करते. चले भाई, किसका यूज नहीं करते? बीइंग का यूज नहीं करते. ये पूरी तरह से क्या होता है? गलत होता है. समझ में आ गया आपको? फटाफट से इसको एक बार लिख लीजिएगा. मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपके दिमाग में, नोटबुक में साइड में लिख लेना, जिससे कि जितने ऑप्शन आएंगे उनको आप क्रॉस कर पाओगे. समझ रहे हो ना? चलिए भाई ठीक है, एक बार स्लाइड को ऊपर नीचे ले जाओ, बस बिगड़ जाता है मामला सेटअप करने का. कोई बात नहीं, चलो अब ठीक है आ जाओ. तो फिर मैंने यहाँ से लेना आपके लिए, फिर बताना चाहूंगा आपको कि ये ऑप्शन हैज के साथ बीइंग लग गया इसलिए गलत है. फिर देखो हैव के साथ में बीइंग लग गया, दूसरी बात है हैव भी नहीं आ सकता, तीसरी बात हैव के साथ बीन लगा दिया, अरे वाह, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म. वाह, पैसिव सेंटेंस, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सही है. गलत, क्योंकि राजन के साथ में हैव का यूज नहीं कर सकते ना. चलिए हैज बीन ब्रोक. ओ, हैज के साथ बीन तक तो ठीक था, क्योंकि मैं आपको बता दूं हैज है और हैड के साथ बीन लगने के साथ जैसे ही थर्ड फॉर्म लग जाता है तो वो पैसिव सेंटेंस बन जाता है. लेकिन ये गड़बड़ घोटाला हो गया कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई थी? सेकंड फॉर्म. जबकि आनी क्या चाहिए थी? थर्ड फॉर्म. हैज बीन के साथ ब्रेकिंग. ओ वाओ, यहाँ से आप टेंस समझ पा रहे हो, दैट इज फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लेकिन वो कब आता है? जब सिंस और फोर दिया जाता है. कब आता है? जब सिंस और फोर दिया जाता है सेंटेंस में भाई, तभी आता है. इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत है. अगला ऑप्शन हैव बीन ब्रेकिंग. पहली बात तो देखो, ब्रेकिंग जो आप ले रहे हो ठीक है, ये वैसे ठीक है, लेकिन सेंटेंस में सिंस फोर नहीं है, तो हैव तो वैसे ही राजन के अनुसार गलत हो गया. और दूसरी बात ये भी हो गई कि यहाँ से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बना सकते. फिर आपने ले लिया हैव बीन ब्रोकन. अच्छा, ये रिपीटेशन हो गया, आई थिंक सो. हैव बीन ब्रोकन और हैव बीन ब्रोकन, ये रिपीटेशन हो गया, तो पी वाला क्या हो गया? भी गलत हो गया. चलिए क्यों को एक बार छोड़ते हैं, हो सकता है कि क्यों में क्या हो क्या नहीं हो. अभी कंफर्म नहीं है कि हैज ब्रोकन सही है या गलत है. एक बार बाकी के ऑप्शंस करके आ जाते हैं, क्या दिक्कत है? फिर क्यों तो है ही अपने पास में लास्ट में, इसलिए इसको एक बार थोड़ी देर तक रख लो. आ जाओ, चलिए क्या बोल रहे हैं सब्पति शर्मा बता रहे हैं कि सर हैज ब्रेक. हैज ब्रेक मतलब क्यों?
हैज ब्रेक ले लूंगा आंसर। अच्छा तो हैज ब्रेक आंसर होगा आपका, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान दो अभी बात पूरी नहीं हुई है, यहां तक ऑप्शन क्रॉस किया लेकिन इसको छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, छोड़ दे एक बार के लिए, बाकी को एक बार सजा दे देते हैं। इनको यहां से भेजते हैं कि आप लोग जाओ यार आपका कोई काम नहीं, इसको जाते हैं। चलिए भी हेड के साथ क्या लगाया आपने मेरे भाई, गौर से देखिएगा वो आपकी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अरे भाई होनी क्या चाहिए थी हेड के साथ, थर्ड फॉर्म दी क्या, सेकंड फॉर्म, गलत। सेकंड फॉर्म केवल एकमात्र पास्ट मेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में लगता, कहां पर, पास्ट मेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, राइट। आ गया जो हेड के साथ में क्या लगा दिया आपने, ब्रेकिंग, क्या लगाया आपने हेज के साथ, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग लगती है क्या, गलत है। तो हेड के साथ कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं, तो जल्दी से बताओ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए भाई ठीक है, एस गया। चौथा ऑप्शन टी वाला था, आपको दिया गया था हेड ब्रेक्स, ब्रेक्स कौन सा फॉर्म होता है, पांचवी फॉर्म, जबकि हेड के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत ऑप्शन हो गया। चलिए यू ऑप्शन, हेड के साथ आपने क्या ले लिया, ब्रेक, ये क्या मामला है यार, ब्रेक तो कौन सी फॉर्म होती है, वी वन होती है और ये वी फाइव होती है, तो गलत हुआ ना, बताइए जरा गलत हुआ ना, क्योंकि हेड के साथ क्या आनी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म, दिया क्या, फर्स्ट फॉर्म, आना चाहिए था थर्ड फॉर्म, गलत हो गया। अगला हेड के साथ बींग, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड को ऊपर करके नीचे लिखा था कि हैज, हैड और हैव के साथ कभी भी बींग का यूज नहीं होता, तो नहीं होता, फटाफट से ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चले भाई डब्ल्यू ऑप्शन दे रखा हैज के साथ में क्या दिया, ब्रेक, ब्रेक कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, और आपको जैसा कि मैं बता दूं फर्स्ट फॉर्म का यूज कभी भी हैज के साथ में यूज नहीं होता, भाई कौन सा लगता है, थर्ड फॉर्म। फिर से देखिए हैज के साथ में, हैव के साथ में भी कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म दिया, हालांकि हैव ही नहीं हो सकता क्योंकि रंजन तो, रंजन तो, राजन तो अकेला है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरी बात है हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अब तो दिमाग में सेट हो गया होगा, इससे मैक्सिमम कुछ होता ही नहीं है। और हेडबिन के साथ में मैं ब्रोकन नहीं दिया, ये कौन सी फॉर्म दे दी आपको, सेकंड फॉर्म, जबकि हेडबिन के साथ होना क्या चाहते हो, कौन सा, थर्ड फॉर्म। ये हेडबिन का क्या मामला है, पैसिव सेंटेंस, अभी बता रहा हूँ, ये भी गलत हो गया। चलिए भाई हेडबिन के साथ ब्रेकिंग लगा करके आपको चौथी फॉर्म दे दी, लेकिन ये तो भाई मेरे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बनता है, जब आपको सिंस और फॉर्म दिया हुआ हो। संपत्ति शर्मा बता रहे हैं सर ये ही आएगा, वाओ आप मिस संपत्ति शर्मा, आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो, कहां से पढ़ गया हो कि यही आएगा, भाई ब्रेक तो फर्स्ट फॉर्म है और हैज के साथ ब्रेक फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आएगी, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी, टू मेक पैसिव सेंटेंसेस, हाउ कैन यू सी कॉन्फिडेंटली यही आएगा, नहीं, गलत, सी किया आप, आपने गलत दिया, ठीक है ना। चले भाई ठीक है, तो यहां से ये भी क्या हो गया आपका, क्रॉस। चले भाई तो जेड भी क्या हो जाएगा, क्रॉस। ऐसा क्यों, क्योंकि जेड में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कब आता है, जब सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हो। तो फाइनली हमें आपका आंसर मिल गया, कौन सा आपका आंसर है, क्यों, भाई आज का आंसर क्या हो जाएगा, क्यों, एग्जैक्टली आपका आंसर क्यों है। चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा नहीं आ रहा, क्या लगता है आपको, मजा आया नहीं आया इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद में, फटाफट से बताइए मुझे जल्दी से सारे के सारे। और जब आप बताओगे सर हाँ रियली मजा आ गया और समझ में आया नहीं आया, ये भी बता दो, तो ही आगे वाले क्वेश्चन पर लेके चलूंगा। और भाई किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा, चले भाई जल्दी कीजिए, फटाफट से मुझे बताइए, आपके कमेंट में देख रहा हूं मजा आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा हंस के बता रहे मुझे मजा आ रहा है, अच्छा हंस के बताते हैं, हाँ सर मजा आ रहा, वाह वाह क्या बात है, मतलब मुझे राजी कर रहे हो क्या सारे के सारे, हम मुझे खुश कर रहे हो सर, सर के सामने हंस के जवाब दो, मतलब सर ऐसे समझेंगे हाँ वास्तव मजा आ रहा, अरे दिल से बताओ। ओ क्या बोल रहे हैं संदीप सर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दे, हाँ आप बिल्कुल क्यों नहीं यार, आप पढ़ो ना ऐसे बच्चों को, अरे मैं बता रहा हूँ कोई नहीं पढ़ा सकता ऐसा, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यार आपको, मैं जिंदगी में कभी खुद की तारीफ नहीं करता सच्ची, लेकिन जो बात वास्तविक है मैं उसको छुपा नहीं सकता, मैं बताऊंगा। इतना नहीं सोचते टीचर्स, केवल डायरेक्ट आपको चार ऑप्शन देकर के नॉर्मली आपको बताएंगे, वो भी दिमाग में भेजे में घुसता नहीं है यार जिंदगी में। यार एक बात बताओ मुझे, एक चीज आपसे पूछना फिर आगे लेकर चलूंगा, आप मानते हो नहीं मानते हो कि चीजें जितनी प्रैक्टिकल होती है उतना समझ में आएगा, अरे जब तक चीजें आपके सामने प्रैक्टिकल नहीं होगी तभी तो समझ में आएगा ना, आप थेरी थेरी थोड़ी ना समझ पाओगे यार, वो तो जिंदगी में बचपन से पढ़ते आ रहे, वो अभी तक समझ में नहीं आया तो अब क्या समझ में आएगा। तो जितना लाइफ में चीजों को प्रैक्टिकल करोगे ना आप, तभी जाकर के आएगा, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि एक दूसरा साइकिल चला रहा है, छोटे बच्चे की बात बता रहा हूँ, कि दूसरा को साइकिल चला करके देख करके आपको साइकिल चलाना आ जाएगा क्या, नहीं कही, तो इसमें आपको खुद को चलाना पड़ेगा। जब आप खुद बैठोगे चलाओगे कोशिश करोगे, गिरोगे फिर से उठोगे, गिरोगे फिर चलाओगे, चोट भी लगेगी जगह जगह से, टूटोगे फूटोगे थोड़ा सा, हो सकता है कि आपके साथ हो गिरना, लेकिन आप सीख जाओगे। मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं शंकर, बस वास्तविक बात है कि ये चीज नहीं सोच सकते कोई,
चलिए भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पैटर्न पसंद आ रहा है तो चलिए, चलिए जी तो बता रहे, इतना मजा तो बाजरा काटने में भी नहीं आया। अच्छा तो ये बाजरा काटने से इक्वल कर दिया क्या आपने? चलो आ जाओ है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, सबको मजा आया। चलिए तो पेश है फिर से आपके लिए एक बहुत ही मस्त वाला और एकदम रोबस्टिक क्वेश्चन, ठीक है ना धासु? चलिए भाई ओके, ठीक है ना। देखो कितना प्यारा सा, छोटी छोटी सी ऑप्शन लेकिन जेड तक के ऑप्शन, लेकिन मजा आने वाला, सच्ची बता रहा हूँ। चलिए जल्दी से देख लो, अगर किसी को आंसर बताना है तो बता दो, आपको दिया गया। चलो फिर मैं अपना कार्यक्रम चालू करता हूँ क्रॉस करने का, अगर आप चाहो तो आंसर बता सकते हो भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना कार्यक्रम करूंगा, मैं एक एक ऑप्शन को बता करके आपको। देखो मुझे उम्मीद ने कुछ, किसी ने कुछ पूछा था भाई? नहीं, चलिए भाई किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई डाउट नहीं। चलो अभी एक बार देख लो, आंसर चाहो तो बता दो। सर क्यू को एक बार में, क्यू को एक बार और बता दो। अच्छा, उम्मीद ने पूछा क्यू को। चलिए भाई एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी मैं आगे आ गया, ध्यान नहीं दिया मैंने कमेंट पर। देख लो अगर कोई आंसर बता रहा तो ठीक है, नहीं मैं अपना काम चालू करूं। चलो मैं अपना कार्यक्रम चालू कर ही देता हूं फिर, है ना। चलो भाई ठीक है, आप देख लीजिएगा आंसर, जेड बता रहे हैं कोई, मुझे कोई क्या बता रहा है, ठीक है भाई ठीक है आराम। देखो इसके आंसर बताने के लिए आपको पहले जेड तक के ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसर बता पाओगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलिए टेंशन ना ले। दीनू बता रहे यू, ओके भाई जी का जो भी आपको लग रहा है वो आप देख लीजिएगा। चलिए दिनू यू बता रहे, ठीक है भाई यू भी हो सकता है, लेट्स सी यू होगा या नहीं होगा वो भी देख लेंगे। चलो आ जाओ मैं अपना कार्यक्रम चालू करता हूँ आप लोगों के लिए, मजा आने वाला है सच्ची मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो किसी को टेंस में जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, उसको भेज देना यार तू पढ़ ले ये ले, अब जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, किसी को प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर इन टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हो तो ना। चलो आ जाओ। चले भाई यहाँ से फिर से देखा गया कि लता जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर कैसी है, सिंगुलर है, कंफर्म हो गया कि सिंगुलर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वर्ब भी आने वाली है वो भी कैसे आने वाली है, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये कंफर्म है ना कि सिंगुलर वर्ब भी आएगी। चलिए जी तो कार्यक्रम चालू करते हैं फिर सिंगुलर वर्ब को लाने का यहाँ से, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब लाना है तो हमें क्या करना होगा, सिंगुलर वर्ब लाने के लिए हमें ऑप्शन क्रॉस करना। चलो आ जाओ फटाफट से। लता डैश अ सॉन्ग स्वीटली, तो लता सिंगिंग अ सॉन्ग स्वीटली, लता आप बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी गाने को कैसे गा सकती हो, वो भी कंटिन्यू रेगुलरली रहा है, लता एक गाना गा रही है, तो रही है तो है भी आता है, तो है के लिए एक वर्ब लेनी होती है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, देर इज नॉट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं करते मेरे भाई, तो यहां से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस। अगला संग, चलो एक बार थोड़ा सा बेसिक बता दूं इसका जल्दी से, नोटबुक में लिखोगे मेरे साथ साथ, ठीक है ना। देखो जल्दी से ध्यान दो, ये होती थी सिंग और ये होती है सेंग और ये होती है संग और फिर हो जाती है इसकी सिंगिंग, ठीक है ना, और फिर हो जाता है इसका सिंग्स। क्या क्या समझे आप, ये तो V5, ये V4, ये हो जाएगी V3 और ये V2 और ये V1, ठीक है ना। फटाफट से नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो, सिंग सेंग संग सिंगिंग और सिंग्स। चलिए ठीक है ना, कर लिया होगा नोट, आ जाओ। चलो जी अब ध्यान दीजिएगा, चलो जी ध्यान दीजिएगा। तो संग है जो कि कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है मेरे भाई, और ये कौन सी फॉर्म थी, फोर्थ फॉर्म थी, फोर्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के और थर्ड फॉर्म भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज ही नहीं होती, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस। इधर ही क्रॉस कर लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इधर तो समझने के लिए निकल। देखो भाई सिंग जो है ना, वो सिंग कौन सी फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म बोल दो या कौन सी फॉर्म, प्लुरल फॉर्म बोल दो, लेकिन लता तो सिंगुलर है इसलिए सिंग का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि लता सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेके जाएगी, सिंगुलर, ठीक है भाई। अगला, ठीक है अगला ऑप्शन आपको दे रखा सैंग्स, क्या दिया, सैंग्स SANGS, सिंग्स नहीं था, सिंग्स होता तो आंसर हो सकता था, लेकिन क्या दिया, सैंग्स SANGS, मतलब आपने सेकंड फॉर्म के क्या लगा दिया, एस। अरे भाई ध्यान दो, आपको ये बताया था कि दिस वन इज द सेकंड फॉर्म, अगर आप इस सेकंड फॉर्म के क्या लगा रहे हो एस, तो ये क्या माना जाएगा, गलती तो माना जाएगा ना, ये थोड़ी ना हो सकता, आप तो सेकंड फॉर्म को पांचवा बना रहे हो, हमें कोई पागल थोड़ी समझे, ठीक है ना, जो ऐसे ऐसे हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसा एग्जाम में होता है आपके साथ में, आप जब हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस करते हो, जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शंस गलत कर देते हो, तो ऐसा नहीं करें, ओके याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको मजबूत करके भेजूंगा एग्जाम सेंटर पर। सैंक्स गलत है, आप बोलोगे सर कौन सी फॉर्म है, अरे कोई सी फॉर्म नहीं है तो गलत है,
आर सिंगिंग, भाई जरा देखिएगा आर यहां पर जो है हमारा लता के अनुसार आर नहीं आ सकता, क्योंकि लता के अनुसार तो इज आना चाहिए था, क्योंकि इज सिंगुलर होता मेरे भाई। तो अब देखिए गलतियां पकड़ते हैं यहां से, एक तो पहली बात तो आर गलत है, और दूसरी बात है कि आर के साथ में आप क्या ले रहे हो, वी वन ले रहे हो, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। दूसरी बात जी ऑप्शन में आर भी गलत है, क्योंकि लता के अनुसार आर नहीं जाना चाहिए था, और दूसरी आर के साथ सेकंड फॉर्म का यूज भी नहीं होता, शुरुआत के क्लास में यही बताया था आपको। फिर आप ले रहे हो आर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेरे भाई पांचवी फॉर्म ले रहे हो, और ये भी बिल्कुल क्या होता है, गलत। क्यों भाई गलत क्यों, क्योंकि आर के साथ पांचवी फॉर्म का प्रयोग भी नहीं होता। फिर ले रहे हो आर के साथ इज के साथ में कौन सी फॉर्म, फिर से आप पांचवी फॉर्म ले रहे हो, वो भी किसके साथ, इज के। देखो भाई मेरी बात समझिएगा, इज तो ठीक है हो सकता है, लेकिन इज के साथ में पांचवी फॉर्म नहीं लगती, कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, और सॉरी कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म, एग्जैक्टली, ठीक ना। अभी वो क्या डूडज के साथ फर्स्ट फॉर्म बार बार बोल रहे थे, इसलिए हैबिट हो गई। चलिए भाई कौन सी लगती है, फोर्थ फॉर्म, पांचवी फॉर्म नहीं लगती, किसके साथ, इज के साथ। चलिए आ जाओ अगला, फिर देखो इज के साथ में आपने ये कौन सी फॉर्म ले ली, सेकंड फॉर्म ले ली, तो ये भी पूरी तरह से क्या है, गलत है भाई। ऐसा क्यों, क्योंकि इज के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, केवल क्या लगानी है, फोर्थ फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, जो कि होगा तो देखेंगे। सबसे बड़ी बात गलती यहां पर क्या कर दी, कि इज के साथ कभी भी बिन का यूज नहीं कर सकते। तो फिर अगर इज के साथ बिन का यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या और किसी के साथ भी नहीं कर सकते, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी आपकी बी वर्ब होती है, जो कि आप जानते हो इज एम आर वाजवर, इन सभी के साथ में हम कभी भी बिन का यूज नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से क्या माना जाता है भाई, गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, गलत रॉन्ग माना जाता है, ठीक है ना। बी वर्ब के साथ बिन का यूज नहीं करते, दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा पैटर्न को। हाँ जो फिर देखो ध्यान दो अगला क्वेश्चन, फिर दे दिया आपको इज के साथ बिन नहीं लगने के कारण ऑप्शन क्रॉस कर दिया, फिर से इज के साथ बिन तो दिया ही दिया और संग दे दिया। हालांकि संग जो थर्ड फॉर्म है वो पैसिव सेंटेंस बनाता है, और पैसिव सेंटेंस में हम बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पर भाई यहां क्यों नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि यहां पर पहली बात तो देखो बिन लगाते ही गलत मामला हो गया, क्योंकि बी वर्ब के साथ बिन का प्रयोग नहीं होता। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल फोकस करो और पढ़ो। अगला ऑप्शन आपको फिर से दिया कि इज के साथ में कौन सी फॉर्म दे दी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों परेशान कर रहे हो यार इतने सारे ऑप्शन, ये आपको मजबूत बनाने के लिए दिए गए ऑप्शन से, याद रखना। यहां से आपका नॉलेज एकदम कूट कूट करके फिक्स भर जाएगा। कोई किसी की ताकत नहीं है किसी क्वेश्चन में कि 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे गलत करवा दे। और बोला था आपको एलडीसी जैसे एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन केवल आपसे ये पूछा जाता है सेंटेंस देकर कि बताइए भाई कौन सा टेंस है, ट्रांसलेशन बताइए कौन सा टेंस, और एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिलर्स तो अलग है जो इन्हीं में से मिलकर पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए अगला ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा अगला ऑप्शन इंटरेस्टिंग है यहां से, ठीक है ना। तो ये होने के कारण यहां से ये नहीं होगा मेरे भाई। अगला वाज तो ले सकते हैं, देखो लता के अनुसार वाज आ सकता है, क्योंकि वाज क्या है सिंगुलर है ना, तो वाज सिंगुलर है लेकिन ले सकते हैं, लेकिन भाई यहां पर गलत क्या हो गया, यहां से सैंग आपको कौन सी फॉर्म दे दी, सेकंड फॉर्म, इसलिए एन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। वाज के साथ में यहां पर क्या दे दिया आपको, फर्स्ट फॉर्म। बार बार बोल रहा हूं, बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बी वर्ब के साथ केवल कौन सी फॉर्म लगाओ, फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाओ। थर्ड फॉर्म बनाता पैसिव और फोर्थ फॉर्म लगाता एक्टिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। फिर से वाज तो ठीक है सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में आप वर्ब की पांचवी फॉर्म का यूज मेरे भाई नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वाज के साथ केवल फोर्थ फॉर्म लगती है। और तीसरी बात फिर से गलती क्या पकड़ी गई कि आपने वाज के साथ क्या लगाया, बिन लगाया, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी वाज वर्ग के साथ बिन का प्रयोग, इज एम आर वाजवर के साथ बिन का प्रयोग नहीं होता। अगला ऑप्शन फिर से आपको गलत दिया, क्योंकि फिर से वाज के साथ में आपको क्या दिया, बिन, और आगे एकदम थर्ड फॉर्म दे दिया। हालांकि थर्ड फॉर्म में सही मान लूंगा, चाहे पैसिव होगा मान लो, लेकिन बिन तो नहीं हो सकता ना, और बिन नहीं होने की वजह से ऑप्शन क्या हो गया, आपका आर क्रॉस हो गया। तो देखो आर तक कंप्लीट कर चुके हैं, आगे चल रहे हैं और आगे ध्यान देंगे कि कौन सा आंसर होगा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, इज दे दिया आपको और इज के साथ में क्या दिया गया, बींग। हालांकि देखो मैं आपको चीज बता दूं कि इज के साथ बींग का प्रयोग हो सकता है मेरे भाई। देखो मैं आपको ये एक चीज लिखता हूँ कि बी के साथ में बीइंग का यूज हो सकता है, लेकिन बीइंग का यूज होने पर कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। दिमाग में फिट करो जल्दी से, मैंने क्या कहा, बी वर्ब के साथ बीइंग लग सकता है मेरे भाई, लेकिन इसके साथ में क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देर इज नो थर्ड फॉर्म, देर विल बी रॉन्ग। चलिए भाई आगे ध्यान दिया आपको, वॉज सैंगिंग, इसको बता रहा था एक कैंडिडेट के, सर यू आंसर होगा, भाई नहीं होगा, क्योंकि ये सैंगिंग है, सैंगिंग। जरा ध्यान दो, मैंने आपको ये कहा था कि सैंग जो होता है वो सेकंड फॉर्म होता है,
और अगर आप सेकंड फॉर्म सेंग के आईएनजी लगा दोगे तो फिर ये सिंगिंग कहाँ जाएगा, तो सेकंड फॉर्म के आईएनजी नहीं भाई मेरे, सिंग के क्या लगता है आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म के ही हमेशा आईएनजी लगा करके आंसर लॉक करते हैं, समझ रहे हो ना। आप सोचोगे सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि एग्जामिनर लिखता है, सर ऐसा क्यों लिखता है, क्योंकि वो गलत करवाता है, आपसे कन्फ्यूज करता है, आप कन्फ्यूज तो क्वेश्चन कन्फ्यूज, क्वेश्चन गलत, मतलब तो मार्क्स भी गए। लेकिन आपको एक फायदा बताता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूअसली इन चीज़ों को सीख करके और कन्फ्यूज नहीं होंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट कन्फ्यूज्ड, ओके। चलिए भाई देख लेते हैं, तो फाइनली आंसर लॉक कर देते एक बार, बीइंग तो था लेकिन यहां पर होना क्या चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि दी क्या थी, फोर्थ फॉर्म, गलत हो गया जी। आगे वॉच के साथ सेंगिंग, ये गलत वर्ब है, तो ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, गलत आपका। यहां पर वर्क क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लता तो सिंगुलर है, जबकि होना चाहिए था वॉज, तो यहां से वर्क की वजह से गलत हुआ। अगला देखो, वर्ब भी गलत है और साथ में वर्ब के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज मेरे भाई नहीं हो सकता, क्योंकि बी वर्ब के साथ बोले तो वाज वर्ब, इजमार वाज वर्ब के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। अगला वर्ब के साथ में सेंग दे दिया, सेंग कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है, जबकि होनी क्या चाहिए थी आपकी यहाँ पर, फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए थी, चौथी फॉर्म होनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ग के साथ में आगे आपको कौन सी फॉर्म दे दी गई, वर्ब की पांचवी फॉर्म, जो कि पूरी तरह से क्या है यहाँ पर, गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड, एग्जैक्टली जो लोग बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, आई मीन क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं हो सकता प्रियंका, इतना वीक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा। देखो ऐसा तो नहीं है, एक काम कीजिए, आपके मोबाइल में जो आपकी पिक्सल है उसको आप 480 या 360 से बढ़ाकर 480 पर कर लीजिए एक बारी में, शायद फिर हो सकता है आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। आप इसको 480 कीजिए, ज़्यादा नेट नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, यूट्यूब ज़्यादा नेट नहीं खाता। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉच सिंगिंग, एग्जैक्टली योर फाइनल आंसर विच बी विल बी वॉच सिंगिंग। चलिए अब एक बार फिर से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मज़ा आया या नहीं आया, समझ में आ गया क्या, तो फिर आगे चल रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि आप बताओगे तो पता भी चलेगा कि किसी क्वेश्चन में, किसी ऑप्शन में आपको डाउट तो नहीं है। चलिए भाई एक बार जल्दी से फटाफट से लॉक करके बता दीजिए कि डाउट थोड़ी ना है। दो सौ चालीस नहीं, बढ़ाओ इसको 240 से, 480 कर लो या 360 पे कर लो, दिख जाएगा, ऐसा भी वीकनेस नहीं है इतना, जल्दी से बता दो, समझ गए। चलिए मजा आ गया, वेरी गुड, चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो आर जांगिड बता रहे नो, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों आर जांगिड, आपको जिस ऑप्शन में डाउट है वो जल्दी से लिख करके बता दो। प्रियंका आप भी बता दीजिए जिस ऑप्शन में डाउट है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर है यार। राहुल पूछ रहे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होगा, अरे मेरे भाई क्वेश्चन एग्जाम के तो है ये, एग्जाम के अकॉर्डिंग तो पैटर्न लिया, अरे इससे बेस्ट क्या होगा, एग्जाम में केवल चार ऑप्शन देगा, मैं आपको जेड तक के ऑप्शंस बता रहा हूँ, 26 ऑप्शन देकर बता रहा हूँ कि कोई सा भी पैटर्न पूछे एग्जाम में, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन पूछेगा आप आराम से आंसर कर सकते हो यार, ये बेसिक मजबूत करवा रहा है आपका। मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगा शंकर, यहां से पूरी बुक यहां से पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, देखिए राहुल कितना क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। राहुल मेरे भाई क्वेश्चन यही आएगा मेरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बस चार ऑप्शन देगा, ऐसे ही गलत ऑप्शन देगा आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो, पूरा चैप्टर रिपीट करो, सॉरी आई कांट डू दिस, आपको पूरा चैप्टर देखना है, आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद में फिर से एक बार देख लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए डन, नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, आज का आपका सेकंड क्वोट, आपको जोश देने के लिए, आपको जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए, आपका मोटिवेशन करने के लिए एक बार छोटा सा क्वोट और पढ़ लिया जाए, उसके बाद में फिर आज का क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वाला। चलिए भाई कहते हैं, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, आप अपनी मुश्किलों से ये कह दो, अब कह दो कि चाहे और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कि मुश्किलों से कह दो और कठिन हो जाए, और चुनौतियों से भी कह दो और कठिन हो जाए, अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, अगर आप नापना ही चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम एक दिन जरूर आसमान को छुएंगे,
और उड़ेंगे पूरे उत्साह के साथ में, उड़ेंगे पंखों के साथ में उड़ेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो हमें रोक ले और रोक के दिखाए, ठीक है ना। चले आ जाओ इसी कॉन्फिडेंस के साथ, जोश और उत्साह के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल पड़ रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा टाइम को लेकर के, हो सकता है कि हम इस पूरे क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो क्या लगता है, पहले तो मुझे बताओ क्या लगता है, ये क्वेश्चन क्लास को यहीं तक होल्ड कर दें, क्योंकि आपको पता है फिर नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो गया है। चलिए फिर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। फिर आपका मन ऐसे करेगा सर आप बिना क्वेश्चन दिखा भी दिए और करवा रहे भी नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी ना, थोड़ा सा जल्दी भाई। चलिए स्टार्ट करें सॉल्व करना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। चलो आप अपने आंसर ढूंढते रहना जो भी आपको आंसर करना है, लेकिन मैं अपना कार्यक्रम चालू कर देता हूं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग विल बी भाई। अनिरुद्ध जो है वो फिर से कैसा सब्जेक्ट बन गया आपके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर भाई मेरे वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आज हम केवल मॉडल लेकर के चल रहे हैं, और मॉडल में क्या सही और क्या गलत हो सकता है वो चीज़ देखेंगे। लेकिन उसको करवाने से पहले आपको छोटी छोटी सी दो चीज़ बता दूँ कि एक वर्ब होती है बाई, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट, और जिसकी फोर्थ फॉर्म होती है बाइंग, मेरे भाई, ठीक है ना। और पांचवी फॉर्म क्या हो जाती है, बाइज, ठीक है ना। ये पांचवी फॉर्म है, ये चौथी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये वी वन है मेरे भाई, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विल का प्रयोग जो होता है वो चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, चाहे सभी हो, डॉट 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 सभी के लिए, ठीक है ना। और सेल का जो यूज करते हैं हम कौन से सब्जेक्ट होने पर, आई और वी होने पर ही यूज करते हैं। एक तो ये चीज जान लो, जल्दी से देख लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, या लिख लेना। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें यह देखना होता है कि विल और जो सेल होते हैं, ठीक है ना, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोडाल होते हैं, और मोडाल के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सारी गलत होती है, आपको केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, केवल फर्स्ट फॉर्म। अगर मान के चलिए अगर आपने गलती से कौन सी लगा दी वी टू, कौन सी लगा दी वी थ्री, कौन सी लगा दी वी फोर, कौन सी लगा दी वी फाइव, तो भाई इनके लिए क्या कहना चाहूंगा, इनके लिए कहना चाहूंगा कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, केवल कौन सी सही होगी, वी वन। तो विल और सेल के साथ केवल वी वन का यूज करते हैं हमेशा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि शायद आज हो नहीं पाएगा पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी में आपको ऑप्शन क्लियर करवाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग आपका, अगर नेक्स्ट क्लास नहीं होती तो मैं ले लेता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप यही कंडीशन को होल्ड कीजिए, हम इस क्वेश्चन से आगे लेंगे कल की क्लास में, और उसके आगे हम और समझेंगे। तो अभी के लिए इतना रोकते हैं क्योंकि टाइमिंग आगे नहीं है, आपको भी पता है। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सोल्व करवा देता, जब आपको बेसिक बता चुका हूं तो मैं क्वेश्चन भी पूरा सोल्व करवाता हूं सकता हूं भाई, ठीक है ना। चलिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा एक बारी में। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है भाई, देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो घर पे कर सकते हो, आप चाहो तो घर पे कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं तो फिर आपको कल इसी टाइम पर 9:30 की क्लास में ही आऊंगा, नहीं अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, यू नो वेल। फिर अगर जल्दबाजी में मजा नहीं आएगा, मैं जल्दी जल्दी से करवा दूंगा, फिर आप कहोगे सर फिर डाउट है, प्रॉब्लम है, इसलिए बेटर रहेगा वी विल बी कंटिन्यू इट टुमारो, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, ठीक है ना। तो आई जस्ट होल्ड द क्लास, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई ठीक है, तो आज का सेशन हम यही होल्ड करते हैं और इसी से हम कल का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो बस केवल इतना सा है कि जो लोग बेसिक सीख रहे हैं, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो पटवार के स्टूडेंट्स हैं, जो ACF के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे LDC के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो स्टेनो की एग्जाम दे रहे हैं, भाई सबके एग्जाम में आपके इंग्लिश का पैटर्न सेम है, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तो बिना किसी टेंशन के बी कंटिन्यू और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए क्लास को कंटिन्यू। चलिए ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यहीं होल्ड करते हैं, और 4 बजे की अपनी इवनिंग की क्लास होगी जिसमें हम आज वन वर्ड और एकदम मस्त और नए पैटर्न के साथ और जानेंगे। बाकी 11 बजे मैथ्स की क्लास, 12:30 GK, और 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास, और 6 बजे आपका रीजनिंग का प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है। चलिए भाई जुड़े रहिए, बी कंटिन्यू। ओके थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।